हर सीट की अपनी एक अलग गणित होती है। ऐसे ही राजस्थान में कई सीटें हैं जिनका अपना रोचक इतिहास रहा है। उन्हीं सीटों में से दो सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। इनमें से एक सीट खत्म हो चुकी है और दूसरी सीट ऐसी है जहां महिला विधायक ने सबसे ज्यादा चुनाव जीते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने चेहरे मैदान में उतारना शुरू कर दिए हैं। जहां बीजेपी ने 124 उम्मीदवार तय किए हैं, तो कांग्रेस ने भी 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इसी के साथ पार्टियों ने अलग अलग सीटों पर मंथन और उससे जुड़े समीकरण बनाना भी शुरू कर दिए हैं। आज हम कुछ ऐसी ही सीटों और नेताओं के बारे में आपको बताएंगे जिनसे कई रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुशलगढ़ की। कुशलगढ़ राजस्थान की ऐसी आदिवासी सीट है जहां ना बीजेपी और ना ही कांग्रेस का दबदबा रहा। वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी सीट है जहां दोनों ही बड़ी पार्टियां अपना रुतबा नहीं चला पाई। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहां सिर्फ 1985 में जीत दर्ज की और बीजेपी ने यहां सिर्फ 2013 में जीत दर्ज की। कुशलगढ़ के बाद बात करते हैं लक्ष्मणगढ़ की। परिसीमन के बाद लक्ष्मणगढ़ का नाम राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ रख दिया गया, लेकिन फिलहाल ये एसटी रिजर्व सीट है, जबकि पहले सीकर वाली लक्ष्मणगढ़ सीट एसटी रिजर्व सीट थी जो परिसीमन के बाद सामान्य हो गई। वही आपको बता दें, 2003 से पहले राजस्थान में एक ही नाम से दो सीटें हुआ करती थी, एक सीकर जिले में और दूसरी अलवर जिले में। लेकिन फिलहाल सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा विधायक है। लक्ष्मणगढ़ के बाद बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर सीट से 1985 में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे विधायक बनी और इसी सीट से 1990 में भैरव सिंह शेखावत भी विधायक बने। उस साल शेखावत ने धौलपुर और छबड़ा दो सीटों से चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों से शेखावत चुनाव जीत भी गए। धौलपुर के बाद बात करते हैं झाड़ौल की। परिसीमन के बाद उदयपुर जिले की झाड़ौल सीट हमेशा से रोचक रही। ये सीट हमेशा सत्ता के विपरीत उम्मीदवारों को जिताती रही है। 2008 में यहाँ से बीजेपी के बाबूलाल खराड़ी विधायक बने, मगर तब सरकार यहाँ कांग्रेस की बनी। इसी तरह 2013 में जब बीजेपी ने विशाल बहुमत से सरकार बनाई, तब कांग्रेस के खाते में आने वाली मेवाड़ की चुनिंदा दो सीटों में से एक झाड़ौल सीट थी। तब यहाँ से कांग्रेस के हीरालाल दरांगी विधायक बने। वही 2018 में एक बार फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो यहाँ से बीजेपी के ही बाबूलाल खराड़ी फिर से विधायक बन गए। झाड़ौल के बाद बात करते हैं हनुमानगढ़ की। दरअसल हनुमानगढ़ सीट और विनोद नाम के प्रत्याशियों का इस सीट से अलग ही कनेक्शन रहा है। हनुमानगढ़ से 2018 के चुनाव में विनोद कुमार चुनाव जीतकर विधायक बने। उसके बाद लगातार हनुमानगढ़ के चुनावों में विनोद नाम से प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे। वही अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, तो पिछले चुनाव में भी विनोद नाम के 5 प्रत्याशियों ने हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ा था। हनुमानगढ़ के बाद बात करते हैं अनूपगढ़ की। दरअसल यहाँ चुने गए विधायकों की उम्र हमेशा 35 साल से कम रही है। परिसीमन के बाद बनी अनूपगढ़ सीट पर 2008 में पहली बार सीपीएम के पवन कुमार दुग्गल जीते, तब उनकी उम्र 32 वर्ष थी। इसी तरह 2013 में बीजेपी से 33 वर्षीय शिमला बावरी जीती, जबकि बीजेपी से वर्तमान विधायक संतोष बावरी की उम्र भी 2018 में 34 वर्ष थी। लेकिन आपको बता दें, प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां विधानसभा के इतिहास में बीजेपी आज तक मजबूत नहीं हो पाई है। राजस्थान में दौद, बाड़ी, बाड़मेर, गुड्डामलानी और लक्ष्मणगढ़ सीट ऐसी है जहां बीजेपी सिर्फ एक बार ही जीत सकी है। ये वो सीटें हैं जहां 1977 की लहर में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव नहीं जीत सकी थी। राजस्थान में 1952 से लेकर अब तक कई बार सीटें बदली गई है। परिसीमन में अलग अलग समय पर सीटों की संख्या और उनके नाम भी बदलते रहे हैं। 1977 में कई ऐसी सीटें बनी जो आज तक कायम है, मगर कई सीटें ऐसी थी जो सबसे कम समय तक विधानसभा सीटों में रही। इनमें हनुमानगढ़ की टिब्बी, जयपुर की जयपुर ग्रामीण, नागौर की मूंडवा, बूंदी की नैनवा सीटी शामिल है, जिन्हें परिसीमन 2005 से 2007 में खत्म कर दिया गया। और बता दें, इन सीटों का अस्तित्व केवल 26 साल का ही रहा है। राजस्थान में बीजेपी 1980 के चुनाव से मैदान में आई थी। पहली बार 1980 में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, मगर उससे पहले 1952 से 1977 तक 6 चुनावों में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। ऐसे में देखा जाए तो 1980 से 2018 तक 9 चुनाव हुए हैं जिनमें 2 पार्टी कॉम्पिटिशन हुआ है। ऐसे में 1952 से अब तक के चुनावों का इतिहास देखा जाए तो ज़्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने ही सबसे ज़्यादा चुनाव जीते हैं, मगर इन सब के बावजूद कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने 1980 के बाद से इतने चुनाव जीत लिए हैं कि उनकी सीटों पर ओवरऑल अब बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा चुनाव जीत चुकी है। नमस्कार।